हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं अंजलि सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी वन नेशन वन स्टैंडर्ड टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, कम्पीट विद द बेस्ट, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स आफ्टर द इवेंट, कॉम्पीट क्रैक एंड कॉन्क्योर। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% तक डिस्काउंट और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बेट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में एक समान मानक तथा वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने में भारत को अग्रणी बनाने के लिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड की आवश्यकता पर जोर दिया है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन का उद्देश्य मानकों की स्थापना और उन्हें लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विदित है कि देश में एकल उत्पाद या सेवा के लिए विभिन्न मानक प्रदान किए जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है, जो अब तक 20,000 से अधिक उत्पादों को यह मानक प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 अन्य एजेंसियों ने अब तक लगभग 400 मानक तैयार किए हैं। इस मिशन का उद्देश्य इन मानकों को BIS के साथ एकीकृत करना है। भारत में वैश्विक मानक स्तर की प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक उपकरणों तथा नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे दूसरे देशों पर गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निर्भरता समाप्त हो सके। भारत सरकार ने वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप भारतीय मानकों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। जिस प्रकार अन्य देश आयातित उत्पादों पर अपने मानकों को लागू करते हैं, इसके माध्यम से विदेशी वस्तुओं को भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए भारतीय मानकों का पालन करना होगा। समान राष्ट्रीय मानक होने से इसे अधिक से अधिक उत्पादों के लिए अनिवार्य बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। पूर्व में यह संगठन भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI था, जिसे सितंबर 1946 में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था। ISI को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। अन्य मानक तथा प्रदाता संस्थाएं, इसके अतिरिक्त कृषि विपणन से संबंधित एगमार्क मानक को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर यानी कि FPO मानक को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय जैविक प्रमाणन को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APIDA द्वारा प्रदान किया जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। अनअकैडमी।